22 जुलाई 2016 भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान रडार से गायब हो गया। ये विमान चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। चेन्नई के ताम्बरम एयरपोर्ट से AN-32 ने सुबह 8:30 बजे उड़ान भरी थी। इसे 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर उतरना था, लेकिन टेक ऑफ के 16 मिनट बाद विमान रडार से गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया बहुत सारे सवाल और अनकही कहानियां, क्योंकि विमान में 6 क्रू मेंबर समेत कुल 29 लोग सवार थे, जिनके लौटने का इंतजार उनके परिवार वाले कर रहे थे। विमान का पता लगाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन अफसोस कुछ हाथ नहीं लगा। न किसी यात्री की जानकारी, न विमान से जुड़ा एक भी सुराग। लेकिन विमान में सवार परिवार के लोगों को उम्मीद थी कि कोई चमत्कार होगा और कभी न कभी उस गायब हुए विमान का पता चलेगा। महीने सालों में बदल गए, फिर भी AN-32 के साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। विमान कहां गायब हुआ, कैसे हादसे का शिकार हुआ, किसी की साजिश थी या फिर किसी की गलती, ये सवाल बने रहे। इस दौरान विमान की तलाश के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। नेवी और एयरफोर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सबसे बड़े तलाशी अभियान में नेवी ने बंगाल की खाड़ी में अपने 13 बड़े जहाज उतार दिए और एक सबमरीन को भी लगाया गया, लेकिन विमान से जुड़ा एक भी सबूत, एक भी सुराग किसी के हाथ नहीं लगा। प्लेन के गायब होने से पहले का डेटा बता रहा था कि विमान में सब कुछ ठीक है, क्योंकि AN-32 की उड़ान के बाद आखिरी बार पायलट से जब संपर्क हुआ तब 8:46 का वक्त हो रहा था। उस दौरान प्लेन ने चेन्नई एयरपोर्ट से 137 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। उस वक्त विमान 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच हुई आखिरी बातचीत में पायलट ने यही कहा था, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके कुछ मिनट बाद ही विमान का रडार से संपर्क टूट गया और फिर ये इंतजार लगातार बढ़ता गया। हादसे के 7 साल बाद एक चौंकाने वाली खबर आई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT यानी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने विमान की तलाशी के लिए एक ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल तैनात किया, जिसके जरिए समंदर में 3400 मीटर की गहराई तक तलाश की गई। इसी तलाश के दौरान चेन्नई के तट से करीब 310 किलोमीटर दूर एक विमान का मलबा बरामद हुआ, जिसका सब कुछ उस विमान से मैच कर रहा था जो AN-32 विमान 22 जुलाई 2016 को लापता हुआ था। ऐसा इसलिए भी माना गया क्योंकि उस जगह पर कभी कोई दूसरा विमान हादसा रिकॉर्ड नहीं किया गया था। वैसे AN-32 से जुड़ा ये कोई पहला हादसा नहीं था। 25 मार्च 1986 को हिंद महासागर के ऊपर भी AN-32 लापता हो गया था। उसमें 4 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर सवार थे। मार्च 1999 में भी AN-32 हादसे का शिकार हुआ था। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के कुछ देर पहले क्रैश होने से 21 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 10 जून 2009 को 13 लोगों को लेकर जा रहा AN-32 प्लेन अरुणाचल प्रदेश में उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया था। उसके बाद 22 जुलाई 2016 को AN-32 विमान गायब हुआ, जिसका पता जनवरी 2024 में लगाया जा सका। लेकिन सच अभी भी अधूरा है, क्योंकि जांच एजेंसियों को अभी भी इस बात का पता नहीं चला कि आखिर इस विमान के हादसे के पीछे असली कहानी क्या है। तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यों से भरी कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।